आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मुल्क है, बड़ी जबरदस्त किस्म का, जिसकी करेंसी, ओ हो, उसकी करेंसी की अगर हम बात करेंगे तो हर इंसान परेशानी में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। डॉलर? नहीं, डॉलर तो छोटी चीज है, हमें तो कम सारा डॉलर का है, हमें तो डॉलर ही ले डूबा। हमारे भी उसके सामने कुछ नहीं है। अच्छा, उसके सामने तो यूरो भी कुछ नहीं है। ये ऐसा इस्लामी मुल्क आपने ढूंढा है जिसकी करेंसी? अच्छा, मैं समझ गई, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। वैसे हमारा ये जो सिलसिला है ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत ज्यादा लोग इसकी तारीफ करते हैं, तो हमने कुछ दिन नहीं किया तो लोगों ने कहा कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे, बिल्कुल मुल्कों का अहवाल क्यों नहीं सुना रहे। आज हम बात करेंगे दुनिया के 8वें अमीर तरीन मुल्क की, जिसका नाम है कुवैत। कुवैत बर्रेआज़म एशिया के जनूब मगरिब की जानिब खलीज अरब में 17,818 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ एक छोटा सा आजाद अरब मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें इराक, सऊदी अरब और खलीज फारस से मिलती हैं। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 152वां मुल्क है, जिसकी आबादी 4.13 मिलियन के लगभग है। अरबी कुवैत की सरकारी जबान है और मुल्क का सिर्फ 1% हिस्सा काबिल काश्त है। ये इस मुल्क की बड़ी खास बात है, और क्योंकि बाकी जितना भी तमाम रकबा है कुवैत का वो सहराए अरब पर मुश्तमिल है। पानी की शदीद किल्लत, बिल्कुल। और कुवैत का शुमार दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में होता है। कुवैत सिटी जो है वो कुवैत का दारुल हुकूमत है और कुवैत का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन जो नाम है कुवैत वो कहाँ से आया, बताएं कहाँ से आया? अरबी जबान का लफ्ज है कूत, जिसका मतलब है कि किला, और ये वो किला है जो कि पानी से सराउंडेड हो तो उसको कहते हैं, पानी के किनारे जो तामीर किया जाता हो उसको कहते हैं कि वो है कुवैत। अच्छा, पश्तो के साथ साथ आप अरबी भी उबूर हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, गुड, अच्छी बात है ये। अच्छा, कुवैत की करेंसी की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का महंगा तरीन नोट है, और अगर हम एक कुवैती दिनार को पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करें तो कितना है बताऊं आपको? बता दें, धचका पहुंचा दें। ऐसा झटका नाजरीन, 496 रुपए का एक कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार 496 रुपए, यानी कि 500 लगा लें आप। हाँ, तकरीबन 500 रुपए अगर हम देंगे तो एक मिलेगा वहां का कुवैती दिनार। लेकिन ये बड़ी ही खास बात है वहां की, क्योंकि कुवैत तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है, और कुवैत का जो दुनिया के कुल तेल का 15% ज़खीरा ये कुवैत में है, जबकि सबसे ज्यादा तेल का ज़खीरा रखने वाले मुमालिक में कुवैत का नंबर है 6। मुल्क की आमदनी का 95% हिस्सा तेल की बरामद से हासिल किया जाता है, और कुवैत का जो तेल है वो सबसे सस्ता तेल है, क्योंकि यहाँ तेल सतह जमीन के करीब है और इसको निकालने के लिए ज्यादा सरमाया खर्च नहीं होता है। एशिया के ज्यादातर ममालिक में कुवैत से तेल दरामद किया जाता है। अच्छा, फिर कुवैत दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पर ताजा पानी का कोई जरिया नहीं है, यहां पर कोई दरिया नहीं है, कोई झील नहीं है, और पानी कुओं के जरिए हासिल किया जाता है, और समुद्री पानी को फिल्टर करके फिर पीने के काबिल बनाया जाता है। इसलिए कुवैत में समुद्री पानी जो है उसकी प्रोसेसिंग का सबसे जदीद निजाम नस्ब किया गया है। कितनी मुश्किल, हमें भी अक्सर पानी नहीं मिल रहा होता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं, कुवैत से रابطہ कर लें क्या? लेकिन कुवैत वालों ने जिस तरीके का काम किया है ना, वो बड़ा अच्छा काम किया है, हमें भी कुछ इस तरह के काम करने चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कुवैत की जो तारीख है उसके हवाले से। जदीद कुवैत की तारीख 17वीं सदी के अवाखिर और 18वीं सदी के आगाज से शुरू होती है। सरजमीन नजद से ताल्लुक रखने वाले कबीले के लोग, जिन्हें आले सबाह कहते थे, वो लोग नजद से निकलकर इस जगह सकूनत पजीर हुए थे, और ये इलाका जल्द ही तिजारत का मरकज बन गया था। समुन्द्री मछलियाँ पकड़ना और समुन्द्र से मोती इकट्ठे करना यहाँ के लोगों का जरिया मुआश था और तिजारत का जरिया। लोग इसमें बड़े माहिर भी हैं, बिल्कुल। तो जब उनके पास यही काम होगा, एक ही चॉइस होगी, तो मछलियां पकड़ेंगे और मोती पकड़ेंगे, ये काम ही करेंगे। अच्छा, फिर 19वीं सदी की बात करते हैं। 19वीं सदी में ये इलाका पूरे अरब की तरह जो उस्मानिया सल्तनत थी उसका हिस्सा बन गया था। जंग अजीम अव्वल के बाद ये इलाका बरतानिया के जेर तसल्लुत चला गया था, और बरतानिया ने इसे सल्तनत बरतानिया के मातहत एक आज़ाद बादशाही निज़ाम वाला मुल्क करार दे दिया था। फिर 1937 में पहली बार यहाँ पर तेल की दरियाफ्त हुई। 19 जून 1961 को बरतानिया से किया गया जो मुआहिदा था वो ख़त्म किया गया, और इस तरह कुवैत एक आज़ाद मुल्क करार पाया था। इससे पहले कुवैत जो है उसके तमाम जो खारजी उमूर थे वो बरतानिया के मातहत थे। शेख अब्दुल्ला अल साम अल सबा आज़ाद कुवैत के पहले अमीर बने थे, और शेख सबा अहमद अल जाबिर अल सबा कुवैत के जो मौजूदा अमीर है ये उनका नाम है।
और कुवैत में आइनी तौर पर जो शहनशाही निज़ाम है, बादशाही निज़ाम है, वो कायम है और इसके मुताबिक मुल्क का अमीर जो है वो मुल्क का हाकिम होता है और अमीर ही वज़ीर आज़म का इंतखाब करता है, जबकि जो पार्लियामेंट होती है वो वली अहद का इंतखाब करती है और शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ये कुवैत के मौजूदा वली अहद हैं। अच्छा, आपने हमें तारीख भी बताई है कुवैत की, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या कुवैत कोई ऐसा दिन मनाता है जो कोई रिपब्लिक डे हो या कोई ऐसा कौमी दिन, कोई ऐसी चीज जो वो मनाते हो? हाँ, सब मनाते हैं तो उन्हें मनाने से मतलब किसने मना किया? यही सोच भी मनाएंगे बिल्कुल। 1962 तक 19 जून को कुवैत के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता था। उसके बाद चूंकि जून में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और स्पेशली कुवैत में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से फिर इसको तब्दील करके 25 फरवरी जो है उसे मुल्क का कौमी दिन करार दे दिया गया। अच्छा, था जी, इन्होंने कहा यार गर्मी ज़्यादा है तो चलो कैसा लगेगा अगर हम 14 अगस्त को ले जाए जनवरी में, अजीब सी बात हो जाएगी। अब इस दिल की क्या खास बात है ये उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन 25 फरवरी जो है वो बेसिकली जो कुवैत के अमीर हैं अब्दुल्ला अल सबा उनकी सालगिरह का दिन होता है। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो हैप्पी बर्थडे टू यू है उस दिन हम अपनी कौम का दिन मना लेते हैं, अब अगर कोई अगला आएगा तो उसकी सालगिरह वाले दिन करेंगे फिर ये कुछ ऐसे ही, मतलब ये तो कोई स्टेबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं। बिल्कुल, अब ये जरा हाकमों के साथ तारीख बदलती रहेगी कौमी दिन की, लेकिन ये है कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, कुवैत के 1962 के आयन के मुताबिक रमजान में अवामुन्नास के दरमियान खाना पीना, फिर ऊंची आवाज में गाने सुनना और रक्स करना वगैरह, ये जो आप पब्लिकली अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो ये जुर्म है, ये नहीं हो सकता है, रमजान का तकद्दुस इससे पामाल होता है, तो उन्होंने सख्त इस पर जुर्माना लगाया हुआ है। 1 माह की कैद हो सकती है या फिर 100 दिनार जुर्माना किया जा सकता है अगर आपने इसमें से कोई भी काम किया और आपको पकड़ लिया। यानी कि सीरियस है वो लोग? बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सीरियस। अच्छा, फिर कुवैत की जंगें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल तारीखी लिहाज से बड़ी अहम है। 2 अगस्त 1990 में इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर इराक के हिस्से का तेल चोरी करने का इल्जाम लगाया और हमला कर दिया। फिर हुआ ये कि हमले के नतीजे में कुवैत 7 माह तक इराक के कब्जे में चला गया। अच्छा। बिल्कुल, और फिर उसके बाद ये कब्जा जो था वो कब खत्म हुआ? ये कब्जा खत्म हुआ जनवरी 1991 तक ये कब्जा कायम रहा और वहां पर फिर उसके बाद ये कब्जा खत्म हुआ। ये है कुवैत की कहानी, कुवैत की जंगों की कहानी, कुवैत के पानी की कहानी, कुवैत के तेल की कहानी, कुवैती दिनार की कहानी।